अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्रिकेट की जो वीडियो है उसमें साउंड इफेक्ट और बैड साउंड की जो एडिटिंग होती है वो आपको आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। तो अगर आप क्रिकेट की वीडियो में साउंड इफेक्ट और बैड वाला जो साउंड है वो लगाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको पूरा ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ। तो वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं, हम इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मैं तो हमेशा क्रिकेट की वीडियो यहाँ पर कैपकट में ही मतलब एडिट करता हूँ। तो आपके पास जो भी ऐप हो उसको आपने ओपन कर लेना है, ये किसी भी ऐप में एडिट हो सकता है। तो यहाँ पर मैं तो यहाँ पर कैपकट को ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कैपकट को ओपन कर लिया है। उसके बाद आपको फर्स्ट में तो यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको वो वीडियो मतलब सिलेक्ट करना जिस पे आप साउंड इफेक्ट और बैड साउंड लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं एक वीडियो मेरे पास है तो वो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ जिससे मैं आपको समझा सकूँ। तो जैसा गाइस आपने देख लिया कि मैंने यहाँ पर ये वीडियो सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर हम इस पे बैड साउंड और यहाँ पर जो साउंड इफेक्ट वो लगाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं तो यहाँ इस वीडियो का जो साउंड है वो यहाँ पर मैं बंद कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसका जो साउंड है वो बंद कर लेता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का वीडियो है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको यहाँ पर साउंड लगाना है जिसके बाद आपको बैड साउंड लगाना है। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं बैड मतलब साउंड लगाऊँ साउंड इफेक्ट लगाऊंगा। तो यहाँ पर आपको ऐड आईडी पे जाना है। यहाँ पर भी आप इस यहाँ पर भी लगा सकते हो लेकिन आपको जो मन कहे वहाँ लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको लगाने के बाद आपको यहाँ पर अपने जो मोबाइल की वीडियो है वो भी लगा सकते हो। तो मैं तो यहाँ पर जो वीडियोज़ है उनमें ये साउंड एक्सेप्ट करूँगा। यहाँ पर मैं एक्सेप्ट पे जाता हूँ और किसी भी वीडियो का जो साउंड इफेक्ट है वो यहाँ पर मैं इस वीडियो पे लगाऊंगा। तो यहाँ पर मैं वो वीडियो मतलब देख लेता हूँ जिसका जो बैड साउंड मैं इसमें लगाऊंगा। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को सिलेक्ट करता हूँ और ये बैड साउंड इसमें आ चुका है। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ये जो क्या कहते हैं साउंड इफेक्ट मैंने यहाँ पर लगा दिया, आप देख सकते हैं ये साउंड इफेक्ट है। और जब छक्का लगता है या कोई भी शॉट लगती है उस पे बैड साउंड लगाना है। तो वो कैसे लगाना है तो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको दोस्तों यूट्यूब पर आपको ये साउंड इफेक्ट बैड साउंड डाउनलोड कर लेना है। यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, आपने यूट्यूब पर लिखना है बैड साउंड तो मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर मैं वो मेरे पास मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो मैं यहाँ पर उसको ऐड करूँगा। तो यहाँ पर मैं एक्सेप्ट पे जाता हूँ और जो मेरे पास बैड साउंड वाला जो वीडियो है जो क्लिप है जो मैं इसको ऐड करूँगा। तो गाइज आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो साउंड लगा दिया है। अब मैं फिट करूँगा, जहाँ भी छक्का लगा जहाँ पे कोई भी शॉट लगी वहाँ पर मैं इस साउंड को ऐड करूँगा। तो यहाँ पर मैं जो सारे साउंड है इसको मैं यहाँ पर थोड़ा कट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर कट करता हूँ और यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूँ। इस साउंड को मैं वहाँ पर रखूँ जहाँ पर ये शार्ट लगाता है, इसको मैं यहाँ इस तरफ ले जाता हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो छक्का लगाएगा वहाँ पर आपको ये साउंड लगाना है। तो ये तो पहला साउंड होगा, आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर वीडियो को प्ले करता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं ये पहले शॉट में ये जब छक्का लगा तो यहाँ पर बैड साउंड का भी आवाज़ आया। तो अगली शॉट पे हम यही साउंड कैसे लगाएंगे तो इस साउंड को आपने यहाँ पर कर लेना है कॉपी। यहाँ पर आपको एक कॉपी का ऑप्शन मिलता है तो यहाँ पर आपको कॉपी करना है उसको। यहाँ पर इसको जोर देकर यहाँ पर उठाना और यहाँ पर रखना है जहाँ पर ये छक्का लगता है। मैं यहाँ पर जाता हूँ, इसको यहाँ पर रखता हूँ, जहाँ भी छक्का लगाए वहाँ पर आपको रख देना है।
तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर भी इसको ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसको भी मैं यहाँ प्ले कर देता हूँ, आपको भी पता चल जाए। तो आपने देखा यहाँ पर भी जो बैट का साउंड भी आया। तो गाइज मतलब जितने भी शॉट होंगे वहाँ पर आप लगा सकते हैं, मतलब पूरी हाईलाइट भी आप साउंड लगा सकते हैं। मैंने आपको जस्ट सिखाना था, तो मैंने ये दो शार्ट पे मैंने आपको सिखाया है। अगर आप चाहें तो ज़्यादा शार्ट पे भी पैड साउंड लगा सकते हैं। तो गाइज इस तरह पे आप किसी भी वीडियो में पैड साउंड और क्या कहते हैं साउंड इफेक्ट लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर इस वीडियो को फुल यहाँ पर प्ले करता हूँ। तो गाइज आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का वीडियो बना है। तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।